वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, आप देख रहे हैं दिव्रुष प्रॉपर्टी ब्लॉग्स। गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक हाई राइज सोसाइटी। मोस्टली आप लोगों को पता भी होगा इस सोसाइटी के बारे में, फिर भी मैं एक बार रिव्यू कर रहा हूँ इस सोसाइटी के ऊपर और मैं आपको कुछ इसके साइज़ दिखाऊंगा जो यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। जैसा कि आज की तारीख में सभी की एक डिमांड रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है कि उन्हें एक रेडी टू मूव सोसाइटी में फ्लैट मिले, भले ही थोड़ा सा महंगा मिले लेकिन उन्हें रजिस्ट्री कराते ही इमीडिएट पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैसी ही सोसाइटी आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं, जहाँ पर सारी अमेनिटीज़ भी ऑपरेशनल हैं। और अगर मैं सोसाइटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर अप्रॉक्स 625 फ्लैट्स हैं, जिसमें कि अभी के टाइम पर 450 फैमिली रह रही हैं और कुछ रेजिडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी फ्लैट लिया हुआ है बट अभी रह नहीं रहे, बट उनकी रजिस्ट्रियाँ भी यहाँ पर हो चुकी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, कुछ लिमिटेड ही यूनिट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आगे चल के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 BHK फ्लैट, जो कि 1440 स्क्वायर फीट का 3 BHK फ्लैट होगा और जिसमें कि आपको मिल जाते हैं 3 बेडरूम 2 टॉयलेट 4 बालकनी और एक किचन। और सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। लोकेशन की बात करें, आप कैसे यहाँ पर पहुँच सकते हैं, सभी लोगों ने किसान चौक देखा होगा, वहाँ से अगर आप डिस्टेंस कंपेयर करते हैं तो यहाँ से वो सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट लोकेटेड है। और मैं आपको बता देता हूँ, इस सोसाइटी के सामने कोई भी हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं है। इनफैक्ट आपको जानकर खुशी होगी, इस सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ा ग्रीन एरिया मिल जाता है आपको और उसके सामने आपको 75 मीटर रोड मिल जाती है, जो कि एक अपने आप में एक एडवांटेज है आपके लिए। तो मेन रोड से बिल्कुल लगा हुआ प्रोजेक्ट है। और कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंट्रल नोएडा, जो हार्डली यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलेगा, उसके बीच में सिर्फ एक ब्रिज है जिसे क्रॉस करके आप डायरेक्ट नोएडा एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो सामने की तरफ आपने अगर सुना हो गौर के मलबरी मेंशन, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस है 25 करोड़ से स्टार्टिंग है, वो इसके बिल्कुल सामने आपको दिखेंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट आपको मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अमेनिटीज सारी ऑपरेशनल है, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, इंडोर गेम्स हैं, कुछ वाटर बॉडी इस सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगी। सारा कुछ सिक्योरिटी वाइज भी सारा कुछ ऑलरेडी मेंटेन यहाँ पर किया गया है। तो चलिए गाइस, मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की तरफ, वीडियो में दिखाऊंगा आपको 3 BHK फ्लैट। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको 3 BHK फ्लैट की। सो गाइस, आपको मैं बता देता हूँ, एक फ्लोर पर 8 फ्लैट हैं जिसमें कि आपको 2 BHK 3 BHK और 2 BHK प्लस स्टडी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे 3 BHK फ्लैट की तरफ। तो गाइस, ये हमारा 3 BHK फ्लैट आ जाता है जिससे मैं आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एंटर करते ही आपको ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आपको मिल जाता है, स्पेशियस ड्राइंग रूम आपको मिल जाता है 10.5 x 14.5 का। फ्लोर टू सीलिंग की अगर हाइट की अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 11 फीट की यहाँ हाइट मिल जाती है आपको। साथ ही में मिल जाती है आपको एक स्पेशियस बालकनी। ड्राइंग रूम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारी स्पेशियस बालकनी मिल जाती है, 5 फीट की अप्रॉक्सीमेट ये बालकनी होगी। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है 8.5 x 9.5 का, काफी स्पेशियस एरिया यहाँ पर दिया गया है डाइनिंग एरिया भी। डाइनिंग एरिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारी किचन आ जाती है। किचन जिस स्टेज में आप अभी देख रहे हैं उसी तरीके से आपको मिलने वाली है, जितना वर्क यहाँ पर किया गया है वही आपको मिलने वाला है। किचन के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 8x8 का हमारा किचन आ जाता है, स्पेशियस किचन है, एल शेप किचन है और इसमें आपको जो वेट एरिया दिया गया है वो अलग दिया गया है। यहाँ पर सिंक वगैरह लगा कर मिल जा रही है, यहाँ पर साथ में मिल जाती है हमारी यूटिलिटी बालकनी। किचन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अब चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ। गाइस, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है 10x11 का, जिसके साथ में आपको मिल जाती है एक अटैच बालकनी और आपको मिल जाता है वार्डरोब के लिए स्पेस। बालकनी से कुछ इस तरीके का व्यू आ जाता है आपका सोसाइटी के अंदर का, डायमेंशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्पेशियस बालकनी यहाँ पर दी गई है। गाइस, यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या और दिया गया है यहाँ पर। जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारे से हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है 7.5x5 का।
पिरामिड फिटिंग्स यहाँ पर आपको करा कर दिए जा रहे हैं। कॉमन वॉशरूम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है। 11x11.5 का इसका डायमेंशन आ जाता है। साथ में मिल जाता है आपको कबर्ड का स्पेस, इसके साथ आपको मिल जाती है एक बालकनी। बाहर से आप टावर का व्यू देख सकते हैं। काफ़ी रेन हो रही है अभी यहाँ पर, इसलिए मैं आउटर व्यू बाहर से कवर नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ये हमारा थर्ड बेडरूम आ जाता है, मास्टर बेडरूम 13x11 का, जिसके साथ एक अटैच वॉशरूम और बालकनी आपको मिल जाती है। साथ में मिल जाता है आपको कवर्ड का स्पेस, उसके साइड में मिल जाता है एक अटैच वॉशरूम। तो भाई जैसे कि अभी आपने फ्लैट देख लिया, उम्मीद करता हूँ आपको फ्लैट पसंद आया होगा। स्पेस वाइज भी और सोसाइटी का एम्बियंस आपने वीडियो के इंट्रो में देख लिया होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं रेनी सीजन चल रहा है तो बाहर का भी बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाया हूँ इस वीडियो में। गाइस अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2BHK फ्लैट की, जो 2BHK फ्लैट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है वो आपका हो जाता है 50 लाख से स्टार्टिंग। 3BHK की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 70 लाख से स्टार्ट हो जाती है आपकी। तो और भी जो भी साइज़ डिटेल हैं सारे डिटेल हैं आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं और इस टाइप की एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है ये। तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें, हैसल फ्री विजिट अरेंज कराएं। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ गाइज। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।